BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। शादी विवाह या अन्य किसी भी पार्टी में बेहद ही सस्ता व होलसेल दामों में मुर्गा खरीदने के लिए संपर्क करें माही पोल्ट्री फार्म तड़वा। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें। आज मुझको 9 घंटे तक CBI हेडक्वार्टर में बुलाया गया था और मसला तो ये था कि एक्साइज पॉलिसी में सो कॉल्ड जो घोटाला हुआ है, सो कॉल्ड, उसके बारे में पूछताछ होनी है। जिसके बारे में BJP बार बार कहती है 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ दिल्ली में, 10,000 करोड़ का एक्साइज घोटाला हुआ। लेकिन आज मैंने CBI में जाके देखा, मैंने देखा कि कोई घोटाला तो वहाँ है ही नहीं, घोटाले की तो कुछ मसला ही नहीं है वहाँ, सारा केस फर्जी है। मैं जानता हूँ सारा केस फर्जी है। और आज मैंने CBI में 9 घंटे की पूछताछ के दौरान, 9 घंटे जो मैं रहा वहाँ पे, वहाँ भी मैं समझ गया कि किस तरह से सारा केस फर्जी है और किस तरह से इन्होंने पूरी साजिश की गई है। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने CBI में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा, इन्होंने CBI में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके CBI के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी CBI जैसी एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। एक्साइज पे बात हुई, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां भी साइड में मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। मैंने कहा क्यों, बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे चलते रहेंगे नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं, 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मैंने कहा BJP तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे कहा गया कि नहीं नहीं देखो ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे फिर। तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूँ, राजनीति में हम आना नहीं चाह रहे थे, हम तो शिक्षा के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम करने के लिए आए हैं। फिर मैंने साफ साफ बोल दिया कि भैया मुझको तो खुशी मिलती है जब दिल्ली के रिक्शे वाले का बच्चा इंजीनियर बनता है, उसमें जो खुशी मिलती है मुझे CM बन के खुशी नहीं मिलती, CM बनने के बारे में सोच के खुशी नहीं मिलती। एक दिल्ली की मेड की बच्ची जब डॉक्टर बनती है तो मुझे खुशी मिलती है, मेरा जीवन शिक्षा को समर्पित है, मैं इस तरह के ऑपरेशन लोटस के किसी दबाव में नहीं आने वाला। इनको जो करना है करें, पूरा केस फर्जी है, कहीं दूर से दूर तक कोई सच्चाई नहीं है उसमें, कोई 1 करोड़ का 1 रुपए का कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। ये BJP वाले कहते रहे और दबाव बनाते रहे 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ, आज मुझे वहां से भी समझ में आ गया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, BTech, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्र ढाला, ओवरब्रिज के नीचे, सिवान।